तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर गया हूँ ये हमारा मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर आगे का टॉपिक है और ये आगे का लेसन है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं सीखने वाला हूँ कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कैसे करने वाले हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। से आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है ऐसे टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। तो दोस्त अच्छा, ये वीडियो मेरा लाने का मकसद क्या है, आपको मैं पहले ही वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं और आज वो सिर्फ दोस्त क्या है मल्टीमीटर चलाना तक नहीं जानते। मोबाइल फोन में मदरबोर्ड को प्लेट कहते हैं, पीसीबी कहते हैं, लेकिन पीसीबी के अंदर कितने पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। या मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के लाइन में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनको नहीं है। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं और मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो लोग वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे मैसेज भी करते हैं ताकि वो लोग सीखने के बाद उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो और आप भी ऐसे लोग हैं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसके माध्यम से अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप एक कमेंट में जाकर के मैसेज जरूर करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमको थोड़ा सा, वीडियो को और शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, ताकि आप हमारी वीडियो और भी आपके जैसे भाई लोग हैं उन वीडियो को मिल सके। और जाने जाने में अगर आप वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो वीडियो शेयर करने से आप हमारी भी मदद करते हैं और हम आपको इसी बहाने हम आपको सिखाने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फोन चेकिंग। जैसा कि जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ ये कौन सी है, मोबाइल फोन चेकिंग, मोबाइल फोन को बेसिकली चेक करने का तरीका क्या होता है उसके ऊपर दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ कि मोबाइल फोन को कैसे चेक करेंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस क्लास को आप डेमो क्लास भी मान सकते हैं। ये हमारा सारा डेमो क्लास का 6th टॉपिक के ऊपर वीडियो होगा और 6वां टॉपिक होगा और इससे पहले हमने और भी 5-6 डेमो क्लास मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरीके से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। अब मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीखा कैसे जाता है, सबसे पहली बात है लोगों के साथ में यही दुविधा आती है, लोग बहुत ये सोचते रहते हैं कि यार मोबाइल फोन रिपेयरिंग हम सीखेंगे कैसे, मोबाइल फोन सीखने का तरीका क्या होता है, सर आप क्या ऐसा जादू करने वाले हो, क्या ऐसा काम करने वाले हो कि आप हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखा दोगे। तो दोस्तों ये सारे मैं उन्हीं टॉपिक ऊपर वीडियो लेकर गया हूँ, आप हमारी सारी डेमो वीडियो को देखें, वो डेमो वीडियो के माध्यम से आप सीखें और सीखने के साथ साथ आप अपने आप को मजबूत करें। और जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मल्टीमीटर चलाने के अलावा कुछ नहीं जानते तो इन सब चीजों को वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपने नई नई चीजों को सीखते हैं। और आज हम जो चीज सीखने वाले हैं वो मैं मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर एक कंपोनेंट्स लगा होता है हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए टोटल 14 से 15 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो हमारे पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं। अगर इस 14-15 कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो आपका मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं लेकर गया हूं उन्हीं 14-15 कंपोनेंट्स के ऊपर है कि इन्हीं 14-15 कंपोनेंट्स के माध्यम से आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने वाले हैं, ये हम आपको सिखाने वाले हैं और आप कैसे सीखने वाले हैं इस बात का आप निर्धारित करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों कैपेसिटर को देसी भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं, संधारित्र भी बोला जाता है हिंदी में, वैसा इसको कैपेसिटर बोला जाता है, टेक्निकल नाम कैपेसिटर आप उसी को समझिए क्योंकि वही ज्यादा बेहतर है, बाकी और हिंदी में चले जाएंगे तो फिर दिमाग ही खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी दोस्त मोबाइल फोन में पाया जाता है। कैपेसिटर कैसा दिखता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, मदरबोर्ड में उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरा वीडियो देने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए, कोई चीज ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए कोई समस्या आए तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर हमसे फोन करके मैसेज करके कॉल करके पूछ लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, हम लोग समझते हैं कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है, क्या काम करता है सप्लाई को फिल्टर करता है, जो भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो करंट आता है
उस करंट को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सप्लाई आती है उस सप्लाई को क्या काम करता है, फिल्टर करता है, मतलब करंट को साफ करता है। आप कह सकते हैं करंट का शुद्धिकरण करता है कि जो भी हमारे सप्लाई जा रही होती है उस सप्लाई को क्या करता है, फिल्टर करता है। कैसे फिल्टर करता है, मैं आपको उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है, रियल शेप। रियल शेप, रियल शेप का मतलब होता है दिखता कैसे। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है। मदरबोर्ड में से कैसा दिखता है, सबसे पहली बात कैपेसिटर को जब आप मदरबोर्ड में से आप देखेंगे तो पहले कैपेसिटर साइड में जो सिल्वर होता है, इसके साइड के जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं। बीच में जो होता है ब्राउन कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है। कैपेसिटर कैसा दिखता है, जितने भी मोबाइल फोन होता है मोबाइल फोन में से कैपेसिटर कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का होता है। ऐसे कैपेसिटर को दोस्तों हम लोग इसकी भाषा में एनपीसी बोलते हैं। एनपीसी का पूरा नाम क्या होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, इसको हम लोग एनपीसी बोलते हैं। एनपीसी का पूरा नाम क्या होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में लगा होता है, इसको हम लोग नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसमें से प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस ना होने के कारण आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। मोबाइल फोन के अंदर जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं सभी मोबाइल फोन में आप इसको उल्टा सीधा कैसे लगा सकते हैं। एक हमारा कैपेसिटर जो रहता है, एक तरफ से इसकी ब्राउन कलर की पट्टी पाई जाती है। कैसी पट्टी पाई जाती है, ब्राउन कलर की पट्टी होती है पूरी, और पूरी बॉडी जो होती है इसकी येलो कलर की होती है, पूरा पीले कलर का पाया जाता है। जिस तरफ येलो कलर का पाया जाता है ये तरफ का हिस्सा प्लस होता है, दूसरा तरफ का हिस्सा माइनस होता है। एक कैपेसिटर सेम ऐसा और भी पाया जाता है, इसमें से जो बीच का जो बॉडी होता है ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों, और ये जो पट्टी होती है ये तुम्हारी व्हाइट कलर की पट्टी होती है, इसमें जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो इस ऐसे कैपेसिटर को हम लोग पीसी बोलते हैं। पीसी का पूरा नाम होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं भैया, पोलराइज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन कलर का होता है, एनपीसी बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसको आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं। जो आपका दूसरा कैपेसिटर होता है येलो कलर का होता है या ब्लैक कलर में जो पाया जाता है, उसमें से ब्राउन कलर की पट्टी होती है, जो पट्टी होती है वो वाला हिस्सा तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा हिस्सा तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव होता है, पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। जो पोलराइज कैपेसिटर होता है इसमें खास बात रहती है कि इसमें से आपका प्लस माइनस होता है। मतलब मोबाइल फोन में देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन में से प्लस माइनस होगा, मतलब जो तुम्हारा पोलराइज कैपेसिटर पाया जाएगा उसमें प्लस माइनस होगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में सर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ रहे हैं या जो भी नए नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उसमें से 95% जो रहता है योगदान वो तुम्हारा इसी कैपेसिटर का रहता है। 95% जो योगदान रहता है वो तुम्हारा कैपेसिटर का रहता है, या 5% यूज होता है। अब तो एंड्रॉयड फोन में ना के बराबर पाया जाता, आता ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हो। जो पुराने मोबाइल फोन पाए जाते थे उसमें से आता था, लेकिन अब ये नहीं आता। सभी मोबाइल फोन में से तुम्हारे मोस्टली एनपीसी ही यूज होते हैं। अब देखिए एनपीसी कैपेसिटर जो होता है ये काम कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन कलर का होता है, इसको हम लोग एनपीसी बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। अब बात करते हैं रियल शेप। अब बात करते हैं कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर। कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर होता है सी होता है। क्या होता है, कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सी। उसके बाद सिंबल, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, या ऐसा भी पाया जाता है जिसमें प्लस होता है दूसरा हिस्सा माइनस होता है। आप इसको एनपीसी का सिंबल कह सकते हैं, इसको तुम पीसी का भी सिंबल कह सकते हो, ऐसे भी बात कह सकते हो। तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस होता है, तो ये हमारा सिंबल होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसका यूनिट। कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरड होता है। क्या होता है, फैरड या म्यू एफ। म्यू एफ का मतलब माइक्रो फैरड, या पीएफ। पीएफ का मतलब होता है पिको फैरड, या तो लिखा होता है एनएफ। एनएफ का मतलब होता है नैनो फैरड। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर का जो यूनिट होता है
आप इस यूनिट के हिसाब से उसको चेक किया जाता है, उसकी भी एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन मोस्टली कैपेसिटर को हम ओके फॉल्टी के लिए चेक करते हैं, वैल्यू के लिए खास तौर पर हम लोग ज्यादा मोस्टली चेक नहीं करते। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर चेक करना पड़ता है, वो भी मैं आपको जब आपको बताऊंगा तो क्या चेक करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैपेसिटर का यूनिट होता है वो फैरेड होता है, ये हमारा सिंबल होता है। अब बात आता है वर्क की। वर्क का मतलब होता है कैपेसिटर जो होता है यह काम कैसे करता है। वर्किंग मतलब कैपेसिटर आपके मोबाइल फोन में से कैसे काम करता है, आप कैपेसिटर का काम करने का तरीका होता है। कैपेसिटर का सबसे पहला काम सप्लाई को फिल्टर करना। सबसे पहला काम क्या होता है कैपेसिटर का, काम होता है सप्लाई को फिल्टर करना। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो भी करंट आते हैं उस करंट को कैपेसिटर क्या काम करता है, फिल्टर करता है। क्या करता है भैया, फिल्टर करता है, मतलब सप्लाई को प्योरिटी लाता है, सप्लाई में फिल्टर करता है। तो कैपेसिटर का काम होता है सप्लाई को फिल्टर करना। क्या करना भैया, सप्लाई को फिल्टर करना सबसे पहला काम। उसके बाद सेकंड, तो जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर पाया जाता है तो कैपेसिटर क्या काम करता है, हमारी जो भी सप्लाई चल रही होती है सप्लाई को क्या करता है, फिल्टर करता है। दूसरा काम होता है डीसी को रोकना, एसी को पास करना, मतलब डीसी करंट जो होता है उसको रोक लेता है, जो एसी करंट होता है उसको पास कर लेता है। तीसरा काम वोल्टेज को रोकना, सिग्नल पास करना, वोल्टेज को रोकना मतलब जो भी वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को क्या करता है, रोकता है, और सिग्नल को क्या करता है, पास करता है। जो भी मोबाइल फोन के अंदर जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को क्या करता है, पास करता है। तो इसका काम होता है सप्लाई को फिल्टर करना, डीसी को रोकना, एसी को पास करना, वोल्टेज को रोकना, सिग्नल को पास करना। ये हमारा क्या होता है, इसका काम होता है, इस काम को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कॉन्सेप्ट के। काम कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है मोस्टली सप्लाई को फिल्टर करना, मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो भी सप्लाई चल रही होती है उस सप्लाई को क्या करता है, फिल्टर करता है। दूसरा काम होता है डीसी को रोकना, एसी को पास करना। क्या काम करता है, जो डीसी सप्लाई आती है वो डीसी सप्लाई को रोक देता है, एसी को क्या करता है, पास करता है। वोल्टेज को रोकना, जो वोल्टेज होता है उसको रोकना है, और सिग्नल को क्या करता है, पास करता है। ये इसका काम होता है, ये वर्किंग करता है हमारे मोबाइल फोन में से। अब बात करते हैं कि इसकी भाई टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये जो कैपेसिटर होता है इसको आप चेक कैसे करने वाले हो, इसका टेस्टिंग करने का तरीका क्या होता है, कैपेसिटर को चेक कैसे करेंगे। अब जहां पर हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग की, कैपेसिटर को चेक कैसे करेंगे, कैपेसिटर को चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली बात मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे। चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे तो ओके। अब हम बात करेंगे फॉल्टी। बीप दे, बीप दे तो खराब है। तो कैपेसिटर को जब आप चेक करेंगे, अगर चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे तो ओके है, और बीप देगा तो क्या है, खराब है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर पाया जाता है, ये कैपेसिटर को जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर वैल्यू दे या दे तो सही है, लेकिन बीप देने पर क्या है, खराब है। अब एक बार दोबारा समझ लीजिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को क्या काम करता है, फिल्टर करता है। रियल शेप ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का दिखाई देता है, और एक पीले कलर का भी पाया जाता है, ब्लैक कलर में भी पाया जाता है, व्हाइट पट्टी ब्राउन पट्टी पाई जाती है, प्लस माइनस होता है वो,
डिनोटिंग लेटर सी होता है, इसका सिंबल होता है, इसका यूनिट फैरेड होता है, म्यू पिको फैरेड नैनो फैरेड में देखते हैं। इसका काम होता है सप्लाई को फिल्टर करना, डीसी को रोकना, एसी को पास करना, वोल्टेज को रोकना, सिग्नल को पास करना, इस तरीके से इसका काम होता है। दूसरा होता है टेस्टिंग, इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने का जो तरीका होता है मल्टीमीटर को भी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर मल्टीमीटर को भी पॉइंट पर सेट करेंगे, चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे तो सही है, बीप देने पर खराब है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है अगर वो बीप देगा तो खराब हो जाएगा, जिससे क्या होता है हमारा लाइन काम करना बंद कर देता है। अब देखिए हमारे मोबाइल फोन में से काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, जैसे एग्जांपल सी बात है कैपेसिटर ये लगा हुआ है। जब कैपेसिटर में आप सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई देंगे तो इस सप्लाई में से ये क्या काम करेगा, जो तुम्हारा डीसी करंट होगा तो वो तो इधर तुम्हारा रुक जाएगा और जो एसी सिग्नल होंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। दूसरी बात क्या, कैपेसिटर जो लगा हुआ है अगर यहाँ पर वोल्टेज और सिग्नल दोनों चीज आ जाएंगी तो ये सिर्फ क्या करेगा दोस्त, सिर्फ ओनली सिग्नल को ही पास करेगा और जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को इसी तरफ क्या करेगा, रोक लेगा। तो इस तरीके से डिवाइडेशन भी करता है। आप एग्जांपल सी बात है आप समझ सकते हैं, जैसे छन्नी काम करती है, छन्नी में आप दूध और पत्थर दोनों डालते हैं तो पत्थर आपको ऊपर रह जाते हैं, दूध आपको नीचे आ जाता है। अब तुमको चाहिए क्या, तुमको पत्थर चाहिए तो ऊपर से ले लीजिए, दूध चाहिए तो नीचे से ले लीजिए, मतलब दोनों चीजों को अलग अलग कर देता है। इसी काम को इसकी भाषा में हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, फिल्टर करना बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी मोबाइल फोन होते हैं उस मोबाइल फोन में ये हमारा कैपेसिटर काम करने का क्या होता है, तरीका होता है। तो ये हमने कैपेसिटर के बारे में बताया। अब चलो चलते हैं हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर, प्लेट के ऊपर देखते हैं कि कैपेसिटर को पहचानते कैसे हैं और कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका क्या होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग अपने सिस्टम पर जाएंगे, हम अपनी इमेज ओपन करेंगे। इमेज ओपन करने के बाद इमेज में जाकर के हम लोग देखेंगे, तो कैपेसिटर को चेक करने का तरीका क्या होता है, कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसके साइड के पॉइंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर। कैपेसिटर को जब आप चेक करेंगे तो इसके साइड के दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं। बीच में जो बॉडी होती है ये ब्राउन कलर की होती है, ये कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में जो होता है ब्राउन कलर का होता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर कैपेसिटर पाए जाते हैं। कैपेसिटर कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का पाया जाता है। कैसा होता है, साइड में से ब्राउन या ग्रे कलर का पाया जाता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। इसके दोनों पॉइंट्स को जब दोनों टर्मिनल को आप चेक करेंगे मल्टीमीटर का बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, कहां पर सेट करेंगे भैया, मल्टीमीटर के बीप पॉइंट पर सेट करेंगे। अब बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जब इसको दोनों टर्मिनल को चेक करेंगे, इधर और इधर एक पिन को रखेंगे, चेक करेंगे, और चेक करने पर अगर ये क्या देता है, वैल्यू देता है या कुछ नहीं देता है तो सही है, अगर ये बीप देता है तो बीप देने का मतलब खराब है। अगर बीप देने का मतलब खराब है तो बीप देने का मतलब है ये मोबाइल फोन के अंदर शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे शॉर्ट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन से काम करना बंद कर देगा। ये इसको चेक करने का तरीका होता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में से हम लोग कैपेसिटर को चेक करते हैं, कैपेसिटर की टेस्टिंग होती है, चेक करने पर अगर वैल्यू दे या ना दे तो सही है, और बीप देने पर हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। बीप देने का मतलब शॉर्ट हो जाता है, हमारा सर्किट में सप्लाई नहीं काम करेगी। अब देखिए काम कैसे करता है, जैसे एग्जाम्पल सी बात है ये तुम्हारी सीपीयू आईसी लगी, सीपीयू आईसी से करंट चला, देखो कैपेसिटर पर गया, कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा ग्राउंड है, जो करंट है यहाँ पर जाएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद फिर करंट यहाँ रहेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी एसी पल्सेस होती हैं वो हमारी ग्राउंड हो जाती हैं, एडवांटेज फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी ग्राउंड हो जाती हैं, जिससे हमारा क्या रहता है, हमारी आईसी प्योर होती रहती है, स्योर होती रहती है, अच्छी तरीके से लगातार कंटिन्यू वे में काम करती रहती है। अब जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन के अंदर ये आईसी लगी, इस आईसी से सप्लाई जाएगी, इस कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर का ये हिस्सा ग्राउंड है, तो ये फिल्ट्रेशन है। इस काम को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। कैपेसिटर का 90% जो यूज होता है मोबाइल फोन में सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन हाँ कैपेसिटर को सीरीज में भी लगा होता है, लेकिन सीरीज में कहां पर लगा होता है, जहां पर सिग्नल पास करने की जगह होती है वहां पर कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये आपका एंटीना लगा है, एंटीना से यहां से सब सिग्नल आया,
इस कैपेसिटर पर आया और कैपेसिटर का ये सप्लायर में लगा, फिर इधर गया, फिर इधर से होता हुए आईसी के अंदर चला गया। तो ये जो तुम्हारा कैपेसिटर लगा ये तुम्हारा सीरीज पोजीशन में लगा है। सीरीज पोजीशन का मतलब होता है सिग्नल को आगे पास कर रहा है। मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो मोस्टली सीरीज में लगे होते हैं, और बाकी जगह पर जहां पर सप्लाई में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो हमारे कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो ब्राउन 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 कलर के मैंने आपको बता रखे हैं ये सारे आपके मोबाइल फोन के कैपेसिटर होते हैं। मल्टीमीटर की दोनों पिन को लेंगे और दोनों पिन को जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर लगाने पर चेक करने पर क्या देगा, वैल्यू कुछ नहीं देगा तो सही है, अब बीप देता तो खराब है। वैसे कैपेसिटर का जो टेस्टिंग होता है वो कुछ ना दे तो ही सही है, लेकिन वैल्यू इसलिए दे देता है क्योंकि वो मदरबोर्ड में लगा है, प्लेट में लगा है। अगर कैपेसिटर काला काला हो जाता है, जल जाता है, ग्रीन कलर जैसा उसमें फंगस हो जाता है, तो भी हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, गल जाता है, बेकार हो जाता है, लीकेज हो जाता है, जिससे हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई के डिफरेंट करके ट्रैक में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग कैपेसिटर को बोर्ड में अगर एक आध हटा देते हैं तब भी हमारा मोबाइल फोन सर्किट चलता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं उन कैपेसिटर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि और भी कैपेसिटर जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। गूगल पे गए, गूगल पे हम लोगों ने टाइप किया, कैपेसिटर कंपोनेंट्स, ये देखें कैपेसिटर जो होते हैं ये सिलेंडर कलर के जैसे दिखते हैं, ये हमारे लगे होते हैं। कैपेसिटर और भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, पेपर, मिका, सिरेमिक, पॉलिस्टर, स्टीरियो फ्लक्स, इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, लेकिन ये फिलहाल मोबाइल फोन में नहीं पाए जाते हैं। अगर मोबाइल फोन की अगर दुनिया में बात करते हो तो मोबाइल फोन में सिर्फ ओनली SMD कंपोनेंट्स ही पाए जाते हैं। देखिए मोबाइल फोन में जहां पर आप इमेज की बात करेंगे तो मोबाइल फोन देखिए ऐसा पाया जाता है। अगर हम इस इमेज को पूरा ओपन करते हैं तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इस कलर का दिखता है। कैपेसिटर में जो दोनों पॉइंट्स होते हैं कैसे होते हैं, साइड में सिल्वर होते हैं, बीच का कलर ब्राउन होता है, तो ऐसा दिखता है। आप कैपेसिटर को मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद इसको दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, जैसे दोनों टर्मिनल को चेक करेंगे तो दोनों टर्मिनल चेक करने पर अगर ये वैल्यू देता है, नहीं देता है तो सही है, और बीप देता है तो खराब है। और अगर आप तो दोस्तों मैंने जैसे सारा सब कुछ आपको बताया है और आज के टॉपिक में मैंने कैपेसिटर के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर किया है। आप इसको अच्छे से नोट करिए, कॉपी में पूरा रिटर्न करिए, लिखिए, और लिखने के बाद पूरा अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो समझिए। और अगर दोस्त अगर इन्हीं सब चीजों से संबंधित अगर आप सीखना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, मोबाइल फोन का पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर सागर मार्केट में है, और सागर मार्केट जो पड़ता है ये मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। ये जो मार्केट पड़ती है कानपुर जो स्टेशन पड़ता है इसको हम लोग घंटाघर एरिया बोलते हैं। वैसे कानपुर रेलवे स्टेशन है, CNB नाम से अगर कहीं से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल के पास में ही सागर मार्केट पड़ती है 500-600 मीटर दूर, और यहीं पर अपना ट्रेनिंग सेंटर है अजंता टावर में। और यहां पर आप आकर के पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स सीख सकते हैं, और यहां पर जितने सारे बच्चे लोग आते हैं उनका पूरा जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप दोस्त मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6391711711। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 6391211211। इन नंबर पर आप कॉल करके, आप मैसेज करके आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को कैसे सीखेंगे उसका तरीका जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पूरा दिन के अंदर मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को कैसे किया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप रिपेयरिंग कैसे सीख पाएंगे या बच्चे कैसे सीख रहे हैं उसकी भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर, और आगे की चीजों के बारे में सिखाएंगे।
और आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग कैसे सीखेंगे और सीखने का तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में दोस्त मैं आपको फ्री ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।